जिनका पेट साफ नहीं रहता वो जरूर सुने। नंबर एक, पेट साफ करने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले एक चम्मच भुनी हुई सौंफ खाकर एक कप हल्का गर्म पानी पीने से रोज सुबह खुलकर पेट साफ होता है। नंबर दो, पेट साफ करने के लिए 7-8 मुनक्का रात को पानी में भिगो दें। सुबह इसके बीज निकालकर दूध में उबाल लें। 7 दिन रोजाना सुबह खाली पेट ये दूध पीने और ये मुनक्का खाने से पेट साफ रहने लगता है। नंबर तीन, पेट साफ करने के लिए भुने हुए जीरे और अजवाइन को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें, फिर इसमें स्वाद के हिसाब से काला नमक मिला लें। इस पाउडर की 1/2 चम्मच रोज सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी के साथ पीने से पेट साफ नहीं होने और कब्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नंबर चार, रात में सोते समय 1 गिलास हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच एरंड का तेल डालकर पीने से सुबह पेट खुलकर साफ होता है और कब्ज की समस्या भी खत्म हो जाती है। नंबर पांच, पेट साफ नहीं होने की समस्या में चना बहुत ही फायदेमंद होता है। रोजाना नाश्ते में चने को भिगोकर या उबालकर खाने से पेट साफ रहने लगता है, कब्ज भी ठीक हो जाती है। नंबर छह, बेल का फल पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। बेल का शरबत बनाकर रोजाना 1 गिलास पीने से पेट साफ हो जाता है और कब्ज में भी बहुत फायदा करता है। नंबर सात, रोज शाम को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर और 1 चम्मच गुड़ या मिश्री मिलाकर पीने से ये पेट साफ होने में बहुत मदद करता है। 7 दिन इस प्रयोग को लगातार करना चाहिए। नंबर आठ, पेट के लिए अलसी अमृत होती है। अलसी के बीजों का 1 चम्मच पाउडर रोजाना रात को सोने से पहले खाकर 1 गिलास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीने से पेट साफ हो जाता है। नंबर नौ, पेट को साफ रखता है त्रिफला पाउडर। रात को सोने से पहले 1/2 चम्मच त्रिफला पाउडर को 1 गिलास हल्के गर्म पानी में मिलाकर पीने से पेट साफ हो जाता है और पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाती है। नंबर 10, पेट साफ करने के लिए एक रामबाण इलाज है कि सुबह उठकर 1 कप पानी में 1/2 नींबू का रस और 2 चुटकी काला नमक मिलाकर पिए, इससे खुलकर पेट साफ होता है। नंबर 11, 2 चम्मच इसबगोल की भूसी को रोजाना 7 दिन तक सुबह शाम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के साथ खाने से पेट साफ रहने लगता है, कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।